बस रुक जाओ, खबरदार हाथ भी मत लगाना मेरे बेटे को। आनो, दादा को अपने कमरे में लेके जाओ। जी माँ। दादा चलिए भैया, आराम से। देखिए माँ जी, मैं जानता हूँ कि जो कुछ आपने देखा है उसके हिसाब से आप क्या सोच रही होंगी, लेकिन आपको मुझे बोलने का मौका देना होगा। तुम तो जैसे इंतजार कर रहे थे कि कब हम लोग सब बाहर जाए और तुम अपने करतूते दिखा सको, हैं? मामी जी। अरे बेचारा हमारा नील, वो कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने जोर आजमाओ उस पे, हैं? हद होती है। ची, 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 ची। मामी एक सेकंड। माँ, जो कुछ आपने देखा वो सच नहीं, सच ये है कि नील आराम से बैठा हुआ था और वो मुझे देख के अचानक से वायलेंट हो गया। उसने मेरे ऊपर अटैक किया, इसलिए सिद्धार्थ को बीच में आना पड़ा। वो अपना आपा खो चुका था, इसलिए सिर्फ सिद्धार्थ को उसे रोकने के लिए सब करना पड़ा। माँ बस करो रोशनी। कितना हद तक गिरोगी तुम नीचे अपने आप को बचाने के लिए, तुम और तुम्हारा ये आशिक, तुम दोनों मिलकर मेरे बेटे पर हमला कर रहे थे और उस पर इल्जाम लगा रहे हो कि वो तुम पर हमला कर रहा था। अरे वो बेचारा तो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहा। याद है ना तुम्हें कि ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज अगर मेरा बेटा इस हाल में है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आनो, इससे पहले कि तेरी और तेरे दादा की जिंदगी में और कोई भी आ जाए, प्लीज अपने पति को लेकर यहां से चली जाओ। तुम्हारे लिए ये रिश्ता मायने रखता हो या ना रखता हो, लेकिन ये मत भूलो कि आज भी अब भी मैं तुम्हारी सास हूं। अगर इस रिश्ते को सरासा भी इज्जत देते हो तो अभी क्या, अभी अपनी बीवी को लो और निकल जाओ यहां से। लेकिन मुझे बोलने का, अरे लेकिन अगर माँ चाहती है कि तुम्हारे जाने से इस घर की सुख शांति बनी रहेगी तो प्लीज। लेकिन मेरी, चले जाओ सदा। पता है सिर, मैं माता रानी से कब से मांग रही थी कि बस मेरी बहू और मेरा बेटा घर वापस आ जाए, और आखिर माँ ने मेरी बात सुनी ली। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे मैं तुम लोगों के लिए क्या बनाऊँ? तेरे लिए खीर बनाऊंगी हाँ सर, और आनिया बेटा तुम्हारे लिए। ओफो, मैं भी तो देखो ना सब कुछ यहीं पूछ रही हूँ। अरे अंदर आओ ना, चलो चलो फ्रेश हो जाओ। हाँ मैं तब तक खाने के इंतजाम करती हूँ। चलो चलो आओ आओ आओ। मैंने कुछ नहीं किया माँ, आपको नहीं पता। वो बिल्कुल, वो निकल नहीं रही मेरे दिमाग से। वो क्यों नहीं निकल रही? कैसे निकालूं उसे दिमाग से? क्यों नहीं निकल मेरे दिमाग से? क्यों नहीं निकल रही? क्यों तकलीफ दे रहे हो अपने आप को इतनी? प्लीज रिलैक्स हो जाओ प्लीज। कैसे आ सकती है माँ,
कैसे आ सकती है वो बिल्कुल रिया की तरह कपड़े पहनकर? सामने कैसे आ सकती है? वो बिल्कुल रिया की तरह कपड़े पहनकर कैसे आ सकती है? किसने कहा उसे? किसने बताया होगा उसे? कैसे आ गई? किसने कहा उसे? किसने कहा उसे? अरे वहां पता कैसे कर रहा था ऐसे? Stop it! Stop it! ये रिया मेरे सामने क्यों आ गई? हटाओ हटाओ इसे, मेरी नजर से दूर चली जा। ऐसे कौन है जल्दी? क्या सही एक्टिंग पकड़ी है तुमने? हाँ, ये सब कुछ आप लोगों का किया धराया था, ये तो मुझे बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। तो अब पता चल गया है ना चक्कर ले क्या करेगी? अरे उसके साथ तो ये सब पहले ही हो जाना चाहिए था, समझी? चल यहां से। क्या कर सकती है इससे ज्यादा और क्या करेंगी मामी जी? मुझे तो ये समझ नहीं आता आपको प्रॉब्लम है किससे, मुझसे अपने खुद के घर वालों से? आप चोट किसको पहुंचाना चाहती हैं? मुझे ही अपने घर वालों को? भगवान, अबे सती सावित्री होने का नाटक ना मेरे सामने तो मत करो, क्योंकि बड़े भी तो तुम हो, झूठ का सहारा लेके यहाँ तक पहुंची हो, है ना? और देखो ये हमें लेक्चर दे रही है, सब कुछ तो तुमने किया है। मैंने मैंने किया सब कुछ? क्या हुआ था आज सुबह? वो कपड़े मेरे रूम तक कैसे पहुंचे? वो झूठा नोट उन कपड़ों के ऊपर कहां से आया? मैंने किया था ये सब? हे भगवान की सर्वनाश, अपना पाप छुपा नहीं पाई तो सारा इल्जाम हम पे डाल दिया। नीच लोग नीच ही होते हैं, that's for sure. But don't worry, आपको और आपके इस लाडले बेटे को तो मैं सबके सामने एक्सपोज करके ही रहूंगी। और जेल की हवा ना खिलाई ना तो मेरा नाम भी रोशनी पटेल नहीं। भाई ऐसी कौन सी कंपनी खरीद ली इन्होंने, इतना तहलका मच गया यार। पता नहीं यार कौन सी कंपनी खरीद ली, और ये परी लिमिटेड कौन सी कंपनी है, मैंने कभी नाम सुना नहीं इसका। एनीवे आनिया की तबीयत थोड़ी खराब है, पानी देके आता हूँ उसको। हाँ ठीक है। आनिया पानी पियो। आनिया व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं किसी डॉक्टर को बुला देता हूँ या तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा आराम करूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अरे लेकिन आराम, आनिया सुनो तुम यही आराम करो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं बाहर ही हूँ। आई हैव टू टेक दिस कॉल, ठीक है? हेलो, या तू आ रहा था ना, तूने ही आनिया की जिंदगी हराम कर रखी है। तू कौन है जो मुझे मेरे बच्चे से दूर रखेगा?